एक समय की बात है जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे थे। मेरे प्रियजनों, तब चेले एकांत में यीशु मसीह से पूछने लगे, हे स्वामी, हे गुरु, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? हमें बता दे, सब बातें कब होंगी, तू कब आएगा और जगत के अंत का चिन्ह क्या, क्या तूने चिन्ह ठहराया है? तो यहाँ पर मेरे प्रियजनों, परमेश्वर यीशु नासरी ने एक बात कही थी कि सावधान रहो, तुम्हें ना भरमाने पाए। सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, विश्वास से भटकाने ना पाए। जो आपका थोड़ा बहुत विश्वास है उसे संभाले रहना और बचा के रखना, ताकि तेरा कोई मुकुट छीन ना ले। मेरे प्रियजनों, ठीक है, एक समय की बात है। आज बहुत सारे लोग चिंताओं में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग पाप में जकड़े हैं। मेरे प्रियजनों, जरा सोचो, खुद परमेश्वर यीशु मसीह जो मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, 30-32 साल की उम्र में उसने दुख तकलीफ में गुजार दिए। क्यों? सिर्फ हम सभी के खातिर, जो सजा सभी मानव जाति को मिलने वाली थी वो सजा यीशु मसीह ने अपने पर लिया। हमारा परमेश्वर कलवरी क्रूस पे चढ़ाया गया, कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सा दुख सा दर्द था। आज लोग पाप करते, अपने माता पिता से छिप के पाप करते, बेविचार करते, मगर सावधान रहो, मत्ती की पुस्तक बताती अंत के दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि जाड़े में या सप्त के दिन तुम्हें भागना न पड़े, ऐसा भारी क्लेश होगा मसीह विरोधी के दिन में। मेरे प्रियजनों, उस समय लोग मौत मांगेंगे, फिर भी मौत नहीं आएगी। बहुत तड़पाया जाएगा उन लोगों को जो यहाँ पर रह जाएंगे। मेरे प्रियजनों, आज मनुष्य अपने धन दौलत पर, जमीन जायदाद पर घमंड करता है। यहाँ पर यीशु मसीह का वचन साफ और स्पष्ट रूप से बाइबल बताती है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, मुझे अभी यह वचन याद आता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसको उससे क्या लाभ हो गया। मान लिया मेरे पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, यदि मैं मरकर मैं नरक में चला जाऊं, अपनी आत्मा ही की खोद, आत्मा ही को मैं खो दूं, तो धन दौलत वो पैसा वो शांति वो शराम किस काम का? यदि हमारी आत्मा ही नाश हो जाएगी तो हमें क्या फायदा उस धन दौलत से, उस जमीन से, उस पैसे से, उस शांति से क्या फायदा? जिसमें यीशु मसीह की शांति ना हो, जिसमें परमेश्वर ना हो, वो क्या चीज है? वो शांति वो किस काम की? मेरे प्रियजन, यीशु मसीह ने कहा है, यीशु ने कहा है, मैं तुझे प्यार करता हूँ, क्या तू मुझसे प्यार करता है? मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, क्या तू मुझसे प्यार करता है? यीशु मसीह ने कहा है। मेरे प्रियजनों, आज बहुत सारे लोग गर्लफ्रेंड के चक्कर में, एक लड़की के चक्कर में वे लोग यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, अपने माता पिता को, अपने घर वालों को छोड़ देते हैं। एक लड़की के चक्कर में, एक लड़की के खातिर वे लोग अपने माँ के मुंह पर लात मार देते हैं, अपने बाप के मुंह पर लात मार देते हैं, अपने भाई के मुँह पर लात मार देते हैं और उस परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते हैं जिसने हमारे लिए लोहू बहाया है, कोड़े खाए हैं, मार खाई है, बेइज्जती सहा है। उस परमेश्वर के बारे में आज लोग भी नहीं सोचते हैं। नीति वचन की पुस्तक बताती है, कोई स्त्री तुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने ना पाए, कोई औरत या कोई लड़की तुझे भरमाने ना पाए, तुझे पाप में गिराने ना पाए, तुझे पाप में गिराने ना पाए, तुझे भरमाने ना पाए, तू उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में कहीं फंस ना जाए, उसकी मीठी मीठी बातों में कहीं तू फंस ना जाए और तेरा प्राण फंदे में फंस ना जाए और तू अपना जीवन खो दे, अपना प्राण खो दे। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर वचन साफ बताता है, हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है जिससे हमारा मसीह जीवन खराब होता है। यदि आपके दोस्त बुरे हैं, यदि आपके दोस्त बुरे हैं, यदि आप गलत संगति में हो, तो आपका मसीही जीवन खतरे में है। मेरे प्रियजनों, मैं साफ बता रहा हूँ, अपना उठना बैठना चेंज कर दो। भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा हुआ है, 1 अध्याय के 1 वचन में, धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, वरना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, वरना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वचन यहाँ पे साफ बताता है, 1 वचन और मैं बता रहा हूँ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे प्रियजनों, वचन साफ बताता है, यदि आप बुरी संगति में हो, बुरे लोगों के बीच में हो, यदि आपके दोस्त संसारिक हैं, गाली गलौज करते, पाप करते, लड़कियों से बात करते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करते हैं, तो आप उनकी सी चाल सीख जाओगे, आप उनकी सी चाल सीख जाओगे और आपका प्राण जो है ना फंदे में फंस सकता है, आपका प्राण फंदे में फंस सकता है। मेरे प्रियजनों, और आपका मसीह जीवन खराब हो जाएगा। आप उनकी संगति छोड़ दो,
अब छोड़ दो उन लोगों को, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संसार से चुना है। अरे लोग बोलते हैं संसार मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन, रिश्तेदार मुझसे प्यार नहीं करते, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्यार करता, संसार तुमको ग्रहण करता, क्योंकि तुम संसार के नहीं हो। तुमको परमेश्वर ने संसार से चुन लिया है, संसार से चुना है यीशु मसीह ने, तुम्हारा नाम लेके बुलाया है। तुम संसार के नहीं हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, यीशु मसीह ने कहा है। आप यीशु मसीह के पुत्र हैं, आप यीशु मसीह की पुत्रियां हैं, और आप क्यों चिंता करते हो? मेरे प्रियजन, यदि आपसे कोई गुनाह होता है, कोई पाप होता है, तो आइए यीशु नासरी के सामने बोलो। मत्ती 12 का 36 वचन में लिखा हुआ है साफ और स्पष्ट रूप से, जो अपने मुंह से गालियां निकालते हैं उनके विषय में मैं एक वचन बताना चाहता हूं। यीशु मसीह एक चेतावनी है। लिखा वचन में जो जो मनुष्य निकम्मी बातें कहेंगे पृथ्वी पर, वे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों ही के कारण दोषी और अपनी बातों ही के कारण निर्दोषी ठहराया जाएगा। वचन साफ बताता है जब अंतिम न्याय परमेश्वर करेगा श्वेत सिंहासन के सामने, जब अंतिम न्याय परमेश्वर करेगा, जो जो मनुष्य पृथ्वी पर रहकर जो मुंह से गालियां बकते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, या अपने घर में हो, या लड़ाई झगड़े में हो, या गर्लफ्रेंड से हो, या बॉयफ्रेंड से हो, जो पाप करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो आप मुंह से गंदी बातें निकालते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मनुष्य अपना अपना लेखा परमेश्वर के सामने देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों ही के कारण, मतलब मेरे प्रियजनों, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मेरे प्रियजनों, अपनी बातों ही के कारण दोषी भी ठहराए जा सकते हो और अपनी बातों ही के कारण निर्दोषी भी ठहराए जा सकते हो। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों ही होते हैं। मेरे प्रियजनों, वचन में लिखा यीशु ने आपके हाथों में फैसला और चुनाव दे कर रखा है। चुनाव भी आपका है, फैसला भी आपका है, चुनो जिसको चुनना चाहते हो। यीशु मसीह तो कहता है तू जीवन ही को चुन, जीवन ही को चुन, क्योंकि जीवन यीशु मसीह है। यीशु मसीह पर तू विश्वास कर, तू जीवन को पकड़ के रख। मेरे प्रियजनों, साफ साफ वचनों में लिखा हुआ है तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको अपने पास से निकाल कर फेंक दे, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको अपने पास से काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर जो है ना नरक में न डाला जाए। मेरे प्रियजनों, जब का हाथ पैर गलत पाप करवाता है, हस्ते में चुन करवाता है, यदि आपकी आंख बुरी है, सामने लड़की को देखकर पाप में गिरते हो, यदि मोबाइल में गंदी फिल्में देखते हो, तो आपको उसको छोड़ना है, उसको छोड़ना जो पृथ्वी पर जो अंग हैं उनको मारना, जो पाप के अंग हैं, व्यभिचार के अंग हैं, अभिलाषाओं के अंग हैं उनको मारना, में ना कि में आँख निकालना है, ना हाथ काटना है। परमेश्वर इस विषय में चेताता नहीं है, परमेश्वर में इस विषय में आज्ञा नहीं देता है। मेरे प्रियजनों, यीशु हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, उसने अपनी आत्मा हमें दिया है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आप क्यों परेशान हो? यीशु मसीह बैठा है आपके आंसुओं को पोंछने के लिए। जो आपसे गुनाह हुआ है, पाप हुआ है, अभी वक्त है, अभी समय है, अभी संभल जाओ और परमेश्वर आपके गुनाहों को, पापों को क्षमा कर देगा, एक नया जीवन देगा और अनंत काल का जीवन देगा। ऐसा जीवन देगा जो दो दिन का नहीं है, तीन दिन का नहीं है, हजार साल का नहीं, अनंत काल का जीवन देगा। चुनाव भी आपका है, फैसला भी आपका है, चुनो जिसको चुनना चाहते हो। यदि आप दो नाव में पैर रखोगे तो नाव डूब जाएगी, यदि धरती बीच से फटेगी तो आप बीच में दब जाओगे, क्योंकि आप दो नाव पे पैर रखे चले हो, आपका जो पैर है, दो पैर है, इधर उधर दोनों नाव पर रखे हो, तो आप एक नाव पर पैर रखकर चलो, यीशु मसीह पे विश्वास करके चलो, उसके वचन पर चलो। आज बहुत सारी चर्चों कलीसियाओं में लोग विरोध करें, लड़ाई झगड़ा करें, तो हमें वचन पर चलना है। मेरे प्रियजनों, ठीक है, आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करिए। आप सभी को जय मसीह की प्रभु आशीष दे। आमीन।